श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, नहाए खाए और खुर जीतिया की तिथि और इस व्रत के नियम क्या हैं। दर्शकों, साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6:34 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर प्रातःकाल 8:08 पर। नहाए खाए की तिथि होगी 5 अक्टूबर को। निर्जला व्रत और खुर जीतिया 6 अक्टूबर को होगा। व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद का होगा। जीतिया व्रत में कुसा से निर्मित जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन व्रती महिला को प्रातःकाल स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री और भोग अर्पित करें। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के दिन सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत होती है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को व्रत के पारण के साथ जीवित पुत्र का व्रत का समापन किया जाता है। जीतिया व्रत 3 दिन तक चलता है। तीनों दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि नहाए खाए से लेकर पारण तक सात्विकता का ख्याल रखें। तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करें। पहले दिन नहाए खाए के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन और जल ग्रहण कर ले, क्योंकि इस व्रत में सप्तमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाया पिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जीतिया का व्रत करने के बाद इसे हर साल करना चाहिए। जीतिया व्रत को निर्जल करने की परंपरा है। इस व्रत के दिन जीमूत वाहन भगवान की व्रत कथा सुनना शुभ होता है।